नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीता शो में फिर लेकर आई हूँ आपके सामने एक नया एपिसोड। दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ भी फैशन से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड चीजों को लेकर आज नहीं आई हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आई हूँ जो कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप भराते हो अपने मोबाइल में जो भी पैकेज, चाहे वो 2 GB डाटा हो या 3 GB डाटा हो, और आपको वो आप उतना यूज नहीं करते हुए भी आपके डाटा अलर्ट आ जाते हैं कि आपका डाटा बहुत कम बचा, जबकि आपने ऐसा कुछ भी डाउनलोड नहीं किया और कुछ भी आपने ऐसा कुछ ज्यादा न मूवी देखी न ज्यादा इंटरनेट का यूज किया। तो दोस्तों, आज मैं इसी जानकारी के साथ आपके सामने आई हूँ, मैं आपको ये बता सकूँ कि किस तरीके से टेलीफोन कंपनियां आपके डाटा में से चोरी करते हैं, आपके डाटा से अपना डाटा बचाते हैं। आपने अगर 2 GB डाटा वाला पैक लिया है या 3 GB डाटा वाला पैक लिया है या 4 GB डाटा वाला पैक लिया है, उन पैक में से वो 1 GB 1.5 GB कैसे बचाते हैं, इनकी जानकारी देने के लिए मैंने आज आपको ये वीडियो बनाकर सचेत करने के लिए मैंने आपको आज ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, मैं अपने फोन में जितने भी जीबी का डाटा भराती थी, 3 GB का हो या 2 GB का हो या 1.5 GB का हो, तो हमेशा मेरे फोन में 1 GB के बाद, 500 MB के बाद ये मैसेज आना शुरू हो जाते थे कि आपका 500 MB डाटा ही बचा है, या फिर आपके रात में अगर 2-4 घंटे और आप यूज कर लो तो फिर आपको और मैसेज आएगा कि आपके पास 100 MB डाटा ही बचा है, 10 MB डाटा बचा है। तो मैं तो ये आश्चर्य में आ जाती थी कि मैंने तो अभी उतना इंटरनेट यूज किया ही नहीं, फिर मेरा डाटा कहाँ गया। मैंने ना ज्यादा यूट्यूब के चैनल्स देखे, मैंने कुछ भी ऐप डाउनलोड नहीं किया, मैंने ना कोई गेम्स खेला, मैं कोई गेम्स नहीं खेली, तो आखिर मेरा डाटा गया कहाँ। मैंने कोई मूवी वगैरह भी नहीं देखा ऑनलाइन, तो फिर डाटा गया कहाँ। तो इस तरीके से मैं साल भर काफी परेशान रही, और जब भी मैसेज मेरे पास आते थे, मैसेज अलर्ट, तो मैं फोन बंद कर देती थी कि अब आगे का डाटा यूज करने के लिए आपके पेमेंट से वो कटेगा। वो टेलीफोन कंपनी वाले ये मैसेज करते थे। जब मैंने 2 GB का डाटा भराया, 3 GB का पैक भराया, तब भी मेरे पास वही मैसेज आते थे। तो मैंने एक बार वो जहां से मैं ये टेलीफोन कंपनियां वाले जो कस्टमर केयर होते हैं, मैंने उनसे एक बार जानकारी लेने की कोशिश करी, तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे पूछा कि मेरे पैक में कितना डाटा अभी बचा हुआ है इंटरनेट पे, तो उन्होंने बोला कि मैम आपका 2 GB या 3 GB में से आप अभी आपके काफी डाटा बचे हुए हैं। फिर मैंने उनको बोला कि फिर आप इस तरह से मैसेज क्यों भेजते हो कि आपका डाटा खत्म हो चुका है और आपका पैक समाप्त होने, आपका ये आज का पैक समाप्त होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि मैम आप मैसेज को इग्नोर करो। तो मैंने कहा कि मैं इग्नोर कैसे कर सकती हूँ, अगर आप बार बार मुझे मैसेज भेज रहे हो तो मैं तो डर से वो अपना इंटरनेट बंद कर दूंगी, फिर मैं यूज नहीं कर पाऊंगी। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मैं 1 GB 1.5 GB का भराती थी तब भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम आता था, जब मैं 2 GB का भरा रही हूँ या 3 GB का या 4 GB का, तब भी आप लोग इस तरीके के मैसेज भेजते हो। उन्होंने बोला कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मैसेज इग्नोर करो, आपके डाटा है। तो मुझे समझ में आया कि यानी कि ये टेलीफोन कंपनियां इस तरीके से डाटा बचा रहे हैं कि वो कस्टमर को फोन या मैसेज करते हैं कि आपका डाटा खत्म है। और ध्यान देना दोस्तों, वो मैसेज जो आते हैं वो आपके मैसेज बॉक्स में सेव नहीं होते हैं, वो आते हैं आपको बस इन्फॉर्म करते हैं कि आपका बस आज के डेट का इतना ही डाटा बचा हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपको अपने ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया कि आगे से आप लोग भी सचेत हो जाए, आप लोग जाने कि किस तरीके से वो इंटरनेट पैक में से कुछ डाटा टेलीफोन कंपनियां बचा लेते हैं। अगर आप 2 GB का करते हो तो आपको 1.5 GB या 1 GB ही देंगे, वो 500 MB या 1 GB डाटा वो बचा ही लेते हैं इस तरीके के फॉल्स मैसेज भेज कर। तो दोस्तों, इस तरीके के मैसेज में आप ना आओ, और अपना डाटा को, अपना जितना आपने पैक भराया है उस डाटा को आप पूरा का पूरा यूज करो। और यही जानकारी देने के लिए मैंने आज आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग आगे से सचेत रहो और इस तरह के किसी भी मैसेज पे ध्यान ना दो। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो मेरे साथ गुजरा है, मैं खुद अनुभव मैंने किया है, इसीलिए दोस्तों जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आती हूँ, तो मैं किसी भी टॉपिक पे हो, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो मोटिवेशनल हो, कॉमेडी हो, या फिर कोई भी लेटेस्ट जानकारियां हो जो कि मेरे साथ गुजरा है,
उन सभी को ही मैं आपके सामने बताती हूँ जो मेरे साथ हो चुका है, जिसका मैंने अनुभव कर लिया है, उन सभी को ही एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।